नमस्कार राधे राधे दोस्तों, कैसे हो? होप आप सब ठीक होगे। तो ये मेरी नेक्स्ट लोकेशन पे हम पहुंच चुके हैं, तो अब चलो स्टार्ट करते हैं। ये मैं और कविता एक साथ वीडियो बनाते हुए, कविता ने मुंह फुला लिया लेकिन मैंने नहीं फुलाया। ये हम हंसते खेलते, पीछे चल रहा है बहुत ज़ोर से म्यूज़िक, तो मुझे वॉइस ओवर ज़रूर से भी ज़रूर देना पड़ेगा। उधर DOP बैठे हुए हैं, उधर डायरेक्टर सिंगर सब बैठे हुए हैं, छोटी मोटी बातचीत नहीं है। सारे के सारे आने वाले स्टार्स हैं हम। ये हमारे बिट्टू भाई, जब खाने का टाइम आता है ना तब मेरा डांस और गाना सब कुछ निकलता है। इतने ज़बरदस्त गाने चल रहे थे एक से एक, मेरे से चुपचाप खाना खाया ही नहीं जा रहा था। मेरा ऐसा मन कर रहा था कि खाना वाना छोड़ के डांस करने चले जाऊं, पर मेरे साथ क्या कहते हैं, डांस करने के लिए और मेरी तरह से मस्ती करने के लिए कोई भी नहीं था यहाँ पे। जैसा मेरा लेवल है, सबके सब शांत और शर्माने वाले थे। एक आध मेरे जैसा मिल जाए ना, फिर आ जाए मज़ा डांस करने में। वीडियो पे प्रॉपर कॉपीराइट आने वाला है, देख रहे हो? पीछे एक से एक गाने बज रहे हैं लेकिन मुझे वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। ये देख लो, ये जो हमने दिन में शूट किया था उसकी क्लिप देख रहे हैं। इस तरीके से आएगी थोड़ी सी, आप देख लो कैसे लोकेशन कैसे क्या आना है। और ऐसा है भाई सीन शॉट, पीछे वॉइस ओवर, मतलब पीछे की वॉइस बहुत ज़्यादा इसलिए वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। ये मैं इतराती हुई डांस करती हुई फालतू में घूम रही हूँ इधर उधर। इस पे भी कॉपीराइट मिलेगा अगर वो इसका ठीक नहीं किया तो। और लोकेशन बताना कैसी है? लोकेशन बहुत क्यूट है और ऐसी थोड़ी थोड़ी, मतलब इससे मेरे ख्याल से बेटर ही होगी जो हमारे मेरे ताऊ ने बना रखी है। किसी को चाहिए पूछना हो, बुकिंग करनी हो तो फिर बता सकता है, इससे बेटर लोकेशन है। क्योंकि ये तो बहुत छोटे में बना हुआ है और वो जो मेरे ताऊ का मैं बता रही हूँ ना, वो बहुत बड़े में बना हुआ है। किसी को बुकिंग करानी हो, कुछ कराना है तो कमेंट करके बता देना। ये गिरती पड़ती उठती रहती हूँ, ऐसा ही काम है मेरा। और वैसे बहुत क्यूट लोकेशन लग रही है, थोड़ी सी और बड़ी होनी चाहिए थी पर ठीक है, बहुत सुंदर है। जब मैं खुश होती हूँ मुझे जगह पसंद आती है, सब कुछ पसंद आती है, तो मेरा डांस वान सब कुछ निकल जाता है। कितनी क्यूट लग रही हो, मुझे तो मेरी खुद की ही नज़र ना लग जाए, मेरे को ऐसा लग रहा है। शर्मा शर्मा के डांस कर रही हूँ क्योंकि सब खाना खाते हुए मुझे देख रहे हैं, तो डांस भी सही से नहीं कर पा रही हूँ। मुझे तो डांस के लिए क्लब जाना चाहिए लेकिन मुझे क्लब का माहौल पसंद नहीं है। ये जगह जगह बैठ के मैं ये तुम लोगों को लोकेशन दिखा रही हूँ और कुछ नहीं है। ये मत सोचना कि क्या कर रही हूँ मैं, ये लोकेशन दिखाने के लिए इधर उधर घूम रही हूँ। और ये यहाँ पे शूट स्टार्ट हो गया है, देख रहे हो शूट कैसे होता है। बीच बीच में बार बार आवाज़ देनी पड़ेगी मुझे तो समझ जाना। अब ये कपिल उठ के चला है, कपिल ने मुझे देख लिया, मैं किसी और लड़के के साथ बैठ के यहाँ कॉफ़ी पीने आई हूँ और वो नाराज़ होके चला गया। और हम ये शॉट देख रहे हैं, अब ये हम देख रहे हैं हमने एक्टिंग कैसे की है, तो हमें क्या स्टार मिलेंगे एक्टिंग में वो तो आप लोग बताओगे बाद में जब गाना रिलीज़ होगा। उससे पहले तो हम अपने आप को ही तसल्ली दे रहे हैं कि बहुत बढ़िया कराया है, बहुत अच्छे ये वो। असलियत तो जब पता चलेगी जब आप लोग देखोगे गाना और आप बताओगे कि एक्टिंग है कि ओवर एक्टिंग है, क्या है। और बातें यहाँ ऐसी चल रही हैं, मैं तो ऐसा ज्ञान देना स्टार्ट हो जाती हूँ जिसकी मेरे पास खुद को कमी है, लेकिन ज्ञान देने में मैं कोई कमी नहीं छोड़ती। कैसे वीडियो बनाओ, कैसे क्या करो, भगवान की बातें सब कुछ, और ज्ञान ही देना आता है। खुद पर तो अप्लाई कर नहीं पाती हूँ कि क्या बनाना, कैसी वीडियो बनानी है, दूसरों को ही ज्ञान देती रहती हूँ। ये बार बार रीटेक होते हैं बार बार, तो ये मत सोचना कि हमें करना नहीं आ रहा, लेकिन कुछ होता है थोड़ा बहुत भी अगर इधर उधर हो तो वो बार बार होता रहता है। और क्लोज शॉट, वाइड एंगल, सबके रिएक्शंस अलग अलग होते हैं ना, तो बहुत सारे शॉट देने पड़ते हैं, समझ जाओ आप लोग। देख रहे हो कैसे देख रहे हैं कि हमने किया ही क्या है, और मेरे से तो बहुत ज़्यादा देर देखा भी नहीं जाता, मेरे को तो ऐसा हो जाता है बस हाँ हाँ ठीक है ठीक है। इसके बाद तो मैं ऐसा लगता है कि अपना खुद का डांस कर लूँ, और ऐसा ही करती हूँ मैं। थोड़ी बहुत देर में निकल जाऊँगी यहाँ से और अपने आप गाने एंजॉय करने लग जाऊँगी।
पता नहीं ये वो वाली क्लिप है कि नहीं है, पर ऐसा मैंने किया था मुझे याद है, पर बार बार देख रहे थे, हो सकता है ये वो वाली क्लिप नहीं है। नहीं नहीं ये वही वाली क्लिप है, पर इसमें कम डांस निकला है, जो दूसरी थी ना मेरी उसमें ज़्यादा डांस निकला था। पर कोई बात नहीं, मुझे ये बताना कैसी लग रही मेरी ड्रेस, और आपने इतनी सारी ड्रेसेस देखी है उनमें से सबसे बेस्ट आपको मेरा कौन सा लुक लगा है पूरे शूट में, तो सारे के सारे कमेंट करके बताना। और मुझे ऐसी फील आ रही है इस वाली ड्रेस में जैसे मैं जिम कर रही हूँ ना, तो मेरी जिम नज़र आ रही है थोड़ी थोड़ी, तो बताना कि आ रही है कि नहीं आ रही है। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आ रही है नज़र थोड़ी थोड़ी। और ये मैं फिर से देखने चली गई, जब सब ताले बजा रहे थे मैंने कहा क्या ही कर दिया ऐसा जो इतनी तालियां बज रही हैं। और वैसे मज़ा बहुत आता है। ओह जिसके साथ मैं फ्लर्ट कर रही हूँ उसको तो मैंने अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं कराया। वैसे आप लोग जानते होंगे संदीप चौधरी, बहुत ज़्यादा फेमस है ये यूट्यूब पे, अगर नहीं जानते हो तो देख लेना, बाकी ये बहुत फेमस है। तो आज का शूट हुआ था संदीप चौधरी के साथ, ये है संदीप चौधरी। गाइस कैब का वेट कर रहे हैं, कैब आ जाए जल्दी से। वीर को कॉल कर देना, जो हमारी गाड़ी आई थी जो हमें बुक करके आए हुए थे उन भैया ने कुछ ज्यादा ही नशा वसा कर लिया था तो उन्हें भेज दिया गया है, इसलिए हमने दूसरी बुक करनी पड़ी है। बस तो भाई यहाँ पे आ गए हैं लेकिन गेट नहीं खुल रहे हैं। ये गाड़ी वाला हमसे इतना फ्रैंक हो गया है कि अब हमें उड़ा रहा है। अरे भैया शक्ल दिखा दो ताकि व्लॉग में तुम भी अपने, ये नीली लाइट से कैसे दिखोगे तुम? येलो जला देंगे इसे, बिल्कुल अब अपने आप को पहचान लेना। ठीक है बाय बाय भाई, पता नहीं कब गेट खुलेंगे कब हम एंटर करेंगे। ओके भैया नहीं पता नहीं ये खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे। क्या कोई गेट नहीं खोल रहा भाई? कोई है? कोई है? और वोट भी गए पैसे ले लिए पापा लेकिन दरवाजा नहीं खोल रहे, ये क्या बात है? पापा तुमने कहा था बोले के पैसे दे दो, बोले के पैसे भी दे दो लेकिन नवदीप के लिए, नवदीप के लिए आप दरवाजा नहीं खोल रहे पापा, ये क्या बात हुई? नवदीप आज से बात नहीं करेगा इसके बाद। ये बोबू है ना, ये बोबू है भाई, दुनिया के लोग डीओ भी अपना काम नहीं छोड़ेंगे। अभी शेर आ जाए ना भाई, रुक जा कार्ड बात करने में डीओ भी करने में। देखो एक मिनट दोबारा ये शॉट सही नहीं आया। पापा पापा तुम आ रहे हो या मैं जाऊँ? पापा भाई मेरी बात सुन, कैब बुक कर दोबारा चल रहे हैं। चलो भाई दोबारा आ रहे हैं भाई, काली ओ बच्चों भैया भैया खोल दो दरवाजा, ये पापा पापा कह के तुमने नहीं खुलवाया, उसने उसने सोचा कहीं मेरा सच का बेटा ना आ गया हो। ठीक है बच्चे अंदर सो रहे हैं, शर्त लगा ले इसी के लाने, ये इसी तो चलानी चाहते, ये सोलर कूलर से चल रहा। मैं ये कह रही हूं कुत्ते के अंदर सच में, सच में कुत्ते हैं अंदर, तो तू कूद जाओ ना नवदीप। मैं तो कुत्तों से वैसे भी निपट लूंगा। हां तो तभी तो कह रही हूं, तुम्हारी आंखों से चमक रही, नहीं सिर्फ परिते, ये तो बड़ा नीचे क्या सीजन में ठीक है भैया, ये तो सही थी, तो तुम्हें खाने ही खोलो भाई, मत बोल रात में। अरे वही है क्या? नहीं ये रोटी से कहाँ से आई थी, तू लेके आ मेरे को तो
दिखाएंगे ब्लॉग आओ जी। तो दोस्तों ये प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी। देखो मैन वर्सेस वाइल्ड, ये बहुत ही अनोखी प्रजाति है। ये सिर्फ टुंड्रा वनों में पाई जाती है और इस प्रकार की घास को खाना इसका मुख्य गंदा पानी है। इसी में तो नहाना है। मैं इसको धक्का दे रही थी, ये गिर जाता। अगर मैं जोर से देती तो मैंने जानबूझ के कम दिया। देखो अगर पानी साफ होता ना तो मैं राजी था। मैं तुम्हारा मैंने भी इसलिए नहीं करा। मैंने ये रात से रात को जल्दी गिर दे गिर दे ओ नहीं गिर गया सॉरी कल तो गिरूंगा हां मैं हलाल तो करूंगा यार। मैं अरे जय भी नमा तो कर देते हैं यार। नहीं यार सबके सामने मजाक रात मारी ले कपिल पहन ले टेलर ओह नाइस से वहां से कंबल निकाले। देखो दिखा सकता हूँ मैं डीओपी साहब। इसने बोला कि तुम लोग मुझे कंबल भेजने का ड्रामा करो, मैं ब्लॉग डालूंगी। और हम इसे इतनी देर से कह रहे हैं, इसका दिल मैं बताता हूँ, ये मॉडल वॉडल नहीं है, ये कंबल सूंघने का काम करती है। कंबल सूंघ के बताओ कैसे। बेकार, मेरे को एक मिल गया जिसमें से स्मेल नहीं आ रही और मेरे को ज्यादा लगे कुछ लगे भाई। अब आ गया बोला कि आप ना मैडम अलमारी खोल रहा, आपको कंबल कंबल मिलेंगे, इतने कंबल मिलेंगे बहुत सारे। जैसे कैमरा बंद होता है, नहीं भाई क्या रेट है पहले तो ये बताओ। साढ़े 700। अरे 750 इतने महंगे कंबल कहाँ से? अपने आप
ये लड़का भी आ रहा है उसमें क्या क्या कर सकता है क्या क्या कर सकता है क्या क्या कर सकता है ये लड़का अभी कल 7 बजे नहीं उठी ना तो इसको जगीट के लाएंगे हम भोजपुरी गाना नहीं करता इसकी तरह गाइस मेरा अभी तक आया नहीं है लेकिन भोजपुरी ही करूंगी लेकिन अगर कोई बहुत बढ़िया आया तो ऐसा डल्लन टॉप गाना करूंगी इसके आंख बढ़ जाएंगी कपिल दिनकर के साथ करेंगे ये देखो आप मेरा बुक मार्क लगा हुआ है उसको ये इज आई मास्क एंड आई पुट दिस आई मास्क तो हमारे से बिल्कुल स्मेल नहीं आ रही इनके पास पड़े हैं वहीं से सांसे ले रहे हैं सांसे अब तो मैंने मेरे रूम में प्रेग्नेंस आई है मैंने डीओ मारा है मैंने डीओ मारा हुआ है तुम यार क्या सोच रहे हो मैं छोटा मोटा आदमी सोच रहे हो नवदीप को वैसे तो स्मेल नहीं आ रही लेकिन मेरे से कह रहा सुन के बता मेरे रूम में पानी आ गया है अब मैं जा रही हूँ बाय बाय हाँ हाँ ठीक है देख लूंगी तुम सब बेहतर होंगे Thank you.